नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज और आप सीनियर स्पीक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने देखा कि जब आरुही जो है, आरु यानी कि जो अक्षु की बहन है, उसका डेथ हुआ, तो आरुही का जो भी इल्ज़ाम था उसने अपने सर पे अक्षु ने ले लिया। क्यों? क्योंकि मरते दम तक भी आरुही बदनाम नहीं हो। अब भाई घर वाले भी अक्षु को समझ नहीं पाए और बहुत जली कटी बातें, बहुत भला बुरा उसे कहा। अक्षु को बहुत बुरा लगा और फाइनली अक्षु ने घर छोड़ने का फैसला लिया। जी हाँ, वो उसने ये कहा कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। उसके बाद रास्ते में उसे अभिमन्यु मिला और अभिमन्यु ने कहा कि जहाँ मेरी अक्षु, जहाँ मेरा अक्षु जूनियर, वहीं मैं रहूँगा। तो फाइनली ये लोग दोनों अपने अपने घरों से दूर, ये दोनों घर छोड़कर अब भाई तो जा रहे हैं। जी हाँ, ये लोग घर छोड़कर अब जा रहे हैं। अब ये लोग घर छोड़ कहीं दूर गए और वहाँ जो पुराना घर था अक्षरा का, वहाँ उन्होंने अपना अच्छे से सेटअप किया। अच्छे से दोनों रम गए हैं, दोनों बहुत अच्छे से हैं। इधर तब तक ना अभीर की चिट्ठी मिलती है अक्षु और अभिमन्यु को, जिसमें लिखा हो कि प्लीज़ भगवान जी, आप मम्मा और डैडा की शादी करवा दीजिए। क्योंकि वो लोग कई बार, उनकी शादी होने की कोशिश हुई लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। अगर शादी हो जाएगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हम बहुत हैप्पी फैमिली हो जाएंगे। अभीर ने और भी बहुत सारी बातें जो हैं उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि प्लीज़ भगवान जी, डैडा और मम्मा की शादी करवा दीजिए, मतलब बहुत सारी बातें। उसके बाद अक्षरा भी सब बातें सोचने लगती है कि कैसे आरुही की डेथ हुई, मतलब अभिनव की डेथ, सारी बातें। इधर जो है अभिमन्यु के दिमाग में भी वही बातें चल रहा है कि कैसे उन दोनों का मतलब तबीयत खराब हुआ, कैसे उन दोनों बिछड़े, और अब वो सोच रहे हैं कि शादी कर ले। तो क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु और अक्षरा फिर से शादी करेंगे?